डोंट लुक अवे 2023 की आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसका रन टाइम 1 घंटे 23 मिनट है। ये मूवी मैंने अभी अपने एक सब्सक्राइबर भाई के कहने पर देखी है, तो आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में कि आपको ये मूवी देख कर डर लगेगा या नहीं मेरे इस क्विक रिव्यू में। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गैंगस्टर का एक ग्रुप लूटपाट के इरादे से ट्रक को रोकता है। जब वो ट्रक के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि ट्रक पूरा खाली है, बस एक लकड़ी का बॉक्स रखा होता है। जब वो उसे खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक मैनिकिन यानी कि एक कठपुतली या एक लकड़ी का पुतला कपड़े से ढक कर रखा हुआ है। जैसे ही वो उस पुतले के ऊपर से कपड़ा हटाने के बाद उस पुतले से नज़र हटाते हैं, वो पुतला उन दोनों की जान ले लेता है। पीछे गाड़ी में बैठकर उनका बॉस ये सब देखता रहता है। फिर जैसे ही वो उस पुतले से नज़र हटाता है उसकी भी मौत हो जाती है, यानी कि जो भी एक बार उस पुतले को देख लेता है उसकी मौत निश्चित होती है। ये सब होता हुआ फ्रैंकी नाम की एक लड़की देख लेती है, बट उसके नज़र हटाने के बावजूद वो पुतला उसे नहीं मारता है। ये सब जब वो अपने दोस्तों को बताती है तब उसे समझ में आता है कि उसकी दोस्तों की जान भी खतरे में है। आखिर शुरुआत में फ्रैंकी के नज़र हटाने के बावजूद वो पुतला उसे क्यों नहीं मारता? एक एक करके वो पुतला फ्रैंकी के दोस्तों को मारने लगता है। क्या फ्रैंकी खुद को और अपने बचे हुए दोस्तों की जान बचा पाएगी? आखिर वो पुतला उनके जान के पीछे क्यों पड़ा है? जानने के लिए देखिए ये मूवी। देखिए इस मूवी की स्टोरी जितनी अच्छी है एग्जीक्यूशन उतना ही खराब है। एक दो जंप स्केयर मोमेंट है मूवी में, बट जब आप हॉरर मूवी देखते हैं तो सिर्फ एक दो जंप स्केयर मोमेंट के लिए तो देखते नहीं है। और तो और वो पुतला जब किसी को मारता है तो आपको वो पुतला मूव करते हुए नहीं दिखता, बस आपको लोग मरते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपने डेड साइलेंस, दी एनाबेल जैसी अच्छी हॉरर मूवीज देखी है तो ये मूवी उनके सामने बस एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक हॉरर मूवी में सबसे बड़ा रोल उसका बैकग्राउंड स्कोर निभाता है, जो कि इस मूवी से मिसिंग है। मूवी का प्रोडक्शन और डायरेक्शन बस डिसेंट है, कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस में ज़्यादा डेप्थ फील नहीं होती है। मूवी को ज़्यादातर रात में शूट किया गया है, बट फिर भी ये मूवी आपको डराने में नाकामयाब साबित होती है। मेरी नज़र में अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं या आपकी एज 18 से कम की है और जिन्होंने हॉरर जॉनरा पर ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो शायद इस मूवी को देखकर थोड़ा डर जाए। देखिए हॉरर जॉनरा एक ऐसा जॉनरा है जिसके ज़्यादातर एडल्ट से लेकर यंग ऑडियंस फैन होते हैं। कुछ लोग डरने के बावजूद भी हॉरर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये मूवी बस एक डिसअपॉइंटमेंट ही साबित हुई है। आप चाहे तो इस मूवी पर अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इस मूवी को 4/10 की रेटिंग दूंगा। बाकी आपने ये मूवी देख ली है या देखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।